तो आज हम लोग एडिटिंग का बाकी कुछ नया नया इफेक्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कॉर्नर बीन इफेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उसको निकाल के रखा है, डिस्टोर्ट इफेक्ट पैनल का डिस्टोर्ट सेक्शन में है ये कॉर्नर बीन इफेक्ट, स्फेराइज इफेक्ट, ये सब है क्या तुम्हारा? उसके बाद ट्रांसफॉर्म, मैग्नीफाई इफेक्ट, ये सब कुछ दो तीन इफेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कॉर्नर इफेक्ट। तो कॉर्नर इफेक्ट से क्या होता है, देखो किसी भी क्लिप को हम लोग किसी भी, मैं पहले करके दिखाता हूँ कॉर्नर इफेक्ट का रिजल्ट। तो पहले मैं एक यहाँ पे कॉर्नर इफेक्ट के लिए एक काम करता हूँ, मैं एक कुछ वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ जहाँ पे कॉर्नर इफेक्ट को दिखा सकता है मैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा मैं वीडियो लूँ, मतलब इस तरह से देख लो, पहले मैं नॉर्मली दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे ये हो गया मेरा क्लिप, इसका मैं ओनली वीडियो पार्ट को ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट मी हैव द वीडियो पार्ट ओनली, ओके। एंड तो होता क्या है, पहले कॉर्नर इफेक्ट से वो देख लो, इफेक्ट मैंने कौन सा लिया, ये कॉर्नर इफेक्ट। जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इफेक्ट कंट्रोल में चले जाओ और ये देखो, ये जो है कॉर्नर पिन वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर लो। और यहाँ पे देखो, क्लिक करते ही तुमको चारों कॉर्नर पे कुछ चार सर्कल दिख रहा है कि नहीं? तो ये चारों सर्कल को तुम यहाँ से, जैसे जैसे मैंने इसको यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और इसको मैं यहाँ से इस तरह से पोजिशन इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो चारों सर्कल का पोजिशन मैं अलग अलग तरीके से इस तरह से देखो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये 3D में एक्चुअली मूव हो रहा है। ठीक है, तुमको जैसे इसको मूव करना है ऑल डायरेक्शन पे, तुम इसको इस तरह से इन पिन को पकड़ते हुए किसी भी डायरेक्शन पे इसको मूव कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये इस कॉर्नर पिन को लेते हुए तुम बहुत तरह का इफेक्ट बना सकते हो। मैं एक दो करके दिखाता हूँ, बाकी तुम लोग खुद भी अपना क्रिएटिव माइंड से सोच लेना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो देखो क्या क्या इफेक्ट बन सकता है कॉर्नर पिन इफेक्ट से, कॉर्नर इसको यूज़ करते हुए। तो मैंने कॉर्नर पिन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और मैंने एक काम किया, यहाँ पे चारों पॉइंट पे एक की फ्रेम, चारों का की फ्रेम वाला ऑप्शन को इनेबल कर लो। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट ऑफ द क्लिप, मैं चाहता हूँ कि कॉर्नर पिन पे क्लिक करूँ और स्टार्ट में ये कहीं से भी तुम किसी का भी तुम डायरेक्शन चेंज कर लो। मैंने इसको इस तरह से कर दिया, समझ लो ये मैंने इसका पोजीशन कुछ इस यहाँ पे रख दिया, मैंने जस्ट नॉर्मली मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से रख दिया। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, तो सिंपल एक जस्ट मैं हल्का सा एक यहाँ पे ट्रांजिशन करके दिखाता हूँ दोनों को, एनिमेशन करके दिखाता हूँ मूवमेंट का, क्लिप का। तो उसके बाद हल्का सा यहाँ पे ये जो की, ये तो तुम्हारा सिटिया है, इसको थोड़ा मूव करो यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद फिर इसका तुम पोजीशन को नॉर्मल कर लो जैसे पहले जैसे था। ठीक है, तो इससे एक इफेक्ट बनता है, हल्का सा एक इफेक्ट बनता है ट्रांजिशन। मैंने इस तरह से इसको जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है उसको उसी में रख देना इसका। ठीक है, हो गया। अच्छा, अभी देखो ये एक इफेक्ट बन के आएगा, मैं इसको अगर प्ले करूँ कुछ इस तरह से बन रहा है, देखो लाइक दिस, समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से तुम कॉर्नर पिन को लेते हुए, जस्ट मैंने एक सिंपल सा करके दिखाया, तुम इस तरह से कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे अपना सोच लेना और किसी भी तरह का तुम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इफेक्ट डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं और एक करके दिखाता हूँ, जस्ट देख लो। फिर से मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ से कट करता हूँ। इसका मैंने दो तीन कॉपी बना लिया, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको दो तीन कॉपी बना लिया, समझ लो मैंने चार कॉपी बना लिया इसका। चार एंड फोर फाइव, चलो। उसके बाद मैं कॉर्नर पिन जो है सब में अप्लाई करता हूँ, मैं सभी में कॉर्नर पिन को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कॉर्नर पिन को मैं सभी में अप्लाई करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। तो एक एक करके बाकी सबको तुम पहले हाइड कर लो, जब ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग फिर से डिस्प्ले करवा लेंगे। ये लास्ट क्लिप है, फर्स्ट क्लिप है। तो यहाँ पे हूँ, यहाँ पे इसका कॉर्नर पिन पे क्लिक कर लो तुम और जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे इसको इस तरह से इसका पोजीशन को मैं यहाँ पे इस तरह से मैच करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो कुछ भी किसी भी तरह का शेप तुम बना सकते हो इसकी मदद से। मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए एक
हल्का सा एक डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ तुम लोग को, हो गया। नेक्स्ट क्लिप में जा रहा हूँ, उसको भी मैं अनहाइड करता हूँ और इसमें भी मैं कॉर्नर पिन को लेके आता हूँ। ये नेक्स्ट क्लिप हो गया मेरा, मैंने इसमें भी लेके आया कॉर्नर पिन को, ठीक है। और इस बार यहाँ पे क्लिक किया और अभी इस बार मैं इसको एडजस्ट करता हूँ लाइक दिस, क्लियर। तो तुम लोग इसको ठीक तरह से एडजस्ट कर लेना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको जस्ट समझाने के लिए क्या हो सकता है इसके मदद से। अच्छा, नैन मैं फिर उसका ऊपर वाला क्लिप को मैं विजिबल करता हूँ और इसमें भी मैं कॉर्नर पिन को लेके आता हूँ और इसका कॉर्नर पिन में जाते हुए इस बार मैं ये दोनों को मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने लगा दिया लाइक दिस, ओके। देन गो टू द हायर क्लिप, इसको भी तुम विजिबल करवा लो और इसमें भी कॉर्नर पिन इफेक्ट को लेके आओ। और इसका भी वही बात है, इसको भी तुम इस तरह से एडजस्ट कर लो। ये मेरा थोड़ा बेंड हो गया, तुम लोग इसको ठीक कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसीलिए ये थोड़ा बेंड हो गया, इसको पूरा सीधा करने से अच्छा लगेगा दिखने में, कोई बात नहीं। तो फाइनल जो क्लिप है फिफ्थ वाला, उसको मैं हाइड अनहाइड करता हूँ और इसमें भी मैं क्या लेके आता हूँ, कॉर्नर पिन को लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं बीच में डाल दिया इस तरह से। इस तरह से कुछ दो तीन एग्जांपल मैं तुम लोग को करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो ये सब प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लेना तुम लोग, अलाइनमेंट सही नहीं हुआ है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर एडजस्टमेंट हुआ नहीं, ये सब सही से कर लेना तुम लोग। और इसको मैं प्ले करूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो लाइक दिस। तो यहाँ पे लग रहा है कि ग्लास का एक फ्रेम है जहाँ पे ये चारों क्लिप प्ले हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। बस चारों ओर ग्लास का फ्रेम रखा हुआ है और उधर चारों ओर से ये क्लिप प्ले हो रहा है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ जस्ट डिज़ाइन, तुम कॉर्नर पिन इफेक्ट को यूज़ करते हुए इसको अप्लाई कर सकते हो, क्लियर हो गया बात। सो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, और एक फाइनल में कॉर्नर पिन का यूज़ दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं, जैसे फाइनल में दिखाता हूँ कॉर्नर पिन। तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, जस्ट सोच लेना अपना क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक फ्रेम लेके आता हूँ, जैसे समझ लो कि मैंने ये फ्रेम मैं उठा के लाया, ठीक है। और इस फ्रेम को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये फ्रेम हो गया। मैं चाहता हूँ मेरा जो क्लिप है, ये जो क्लिप है, इस क्लिप को मुझे उसी फ्रेम पे प्ले करवाना है, ठीक है। मुझे क्लिप को कहाँ पे प्ले करवाना है, वो जो फ्रेम दिख रहा था मुझे उसी फ्रेम पे। तो सिंपल सा बात है, कॉर्नर पिन के मदद से ये काम तुम एकदम आसानी से कर सकते हो। कॉर्नर पिन को यहाँ पे अप्लाई कर लो, इसका इफेक्ट कंट्रोल पर चले जाओ, यहाँ पे क्लिक कर लो और बस इसको तुम यहाँ पे एडजस्ट कर दो। समझ में आ रहा है बात, ये कॉर्नर पिन तुम यूज़ करते हुए इसको उस फ्रेम पे एडजस्ट कर दो। तो इसका बहुत सारा का इस तरह का तुम यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करते हो बहुत तरह का तुम इस तरह से अपने तरह अपना डिज़ाइन मान। तो लग रहा है कि स्ट्रीट में ये वीडियो प्ले हो रहा है, स्ट्रीट का जो पोस्टर है, समझ में आ गया बात। तो ये सब अलाइनमेंट सही नहीं होते, ठीक कर लेना तुम लोग। तो इस तरह से कॉर्नर पिन का यूज़ करते हुए बहुत अलग अलग तरीके का हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया कॉर्नर पिन, क्लियर। इसका यूज़ करते हुए और भी एडवांस इफेक्ट बना सकते हो बाद में, उसमें हम लोग करेंगे बाद में एडवांस इफेक्ट। अच्छा चलो, नेक्स्ट जो हो गया मैग्नीफाई हो गया तुम लोग, मैग्नीफाई नहीं हुआ, अच्छा चलो मैं मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ मैग्नीफाई इफेक्ट को यूज़ करते हुए। मैग्नीफाई इफेक्ट से क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को मैग्नीफाई करना, जैसे इसके लिए अभी सफिशिएंट नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैग्नीफाई इफेक्ट को समझाने के लिए, समझ लो मैंने एक पेपर कट कहीं से ले लिया, एज्यूम करो कि मैंने यही वाला, ये तो ये पेपर कट मैंने ले लिया समझ लो, ठीक है। तो ये पेपर कट मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे मुझे ये जो बहुत ही छोटा दिख रहा है समझ लो, इसको मुझे मैग्नीफाई करके दिखाना है। कभी कभी तुमने देखा होगा मूवी में, इस तरह जहाँ पे भी कोई भी किसी भी पेपर भी इसको मैग्नीफाई करे, तो न्यूज़ में मैग्नीफाई करके दिखाता है कि नहीं किसी भी आर्टिकल को, तो वो यहाँ पे हम लोग मैग्नीफाई इफेक्ट की मदद से कर सकते हैं। इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जस्ट मैग्नीफाई इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नीफाई इफेक्ट को अप्लाई करते ही देखो ये वाला मैग्नीफाई वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और ये जो मैग्नीफाई है इसका साइज, तुम साइज इसका पोजीशन सब कुछ चेंज कर सकते हो। साइज अगर बड़ा करेंगे तो ये देखो ना बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का टाइप क्या है, सर्कल है,
इसको तुम स्क्वायर बना सकते हो लाइक दिस। मैग्नीफिकेशन कितना होना चाहिए, कितना मैग्नीफाई करना चाहिए, ये यहाँ पे तुम देखो, ये अभी उसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। हालांकि ये मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट ही मतलब इतना क्लियर नहीं, इसलिए फट जा रहा है यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है ना, ये उसको मैग्नीफाई कर रहा है। अगर मैं इसका पोजिशन भी तुम चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ से मैं ऊपर लेके जाता हूँ थोड़ा हल्का सा, तो देखो ये मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, ये देखो लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है ना। ये वही सी एल, यहाँ पे अगर देखो ये सी एल लिखा हुआ था, ये यहाँ पे कितना बड़ा दिख रहा है, ये मैग्नीफाई करके दिखा रहा है उसी पार्ट को, ठीक है। इसको मैं लेके आता हूँ सर्कल में और इसका मैग्नीफिकेशन को थोड़ा छोटा करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया तो फट जा रहा है ये, ठीक है, बस यही रहने दो, समझ लो। अभी मुझे उसको पूरा, ये पूरा सेंटेंस को मैग्नीफाई मतलब उसको मैग्नीफाई करके दिखाना है मुझे, प्ले करके दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका पोजिशन में एडजस्ट कर लूँगा, मैंने इसका पोजिशन मैंने सेट कर लिया, समझ लो। मैंने इसको यहाँ पर रखा, तो मैंने इसको सपोज यहाँ पे रखा, समझ लो इस पोजीशन पे रखा, ठीक है। और शेप, सेंटर जो भी है, ये सब में तुम एक बार क्लिक कर लो, यहाँ पे एक मुझे की फ्रेम ऐड करना है ना, एक्चुअली सब में नहीं चाहिए हम लोग का, एक्चुअली हम लोग को जस्ट ये सेंटर वाला में और इसमें क्लिक करना है की फ्रेम के लिए। तो मैं चलो सब में कर लिया, जरूरत पड़े तो उसमें यूज़ हो जाएगा उसका, तो की फ्रेम ऐड कर लिया। एक्चुअली तुमको किसके लिए की फ्रेम ऐड करना है, सेंटर के लिए, पोजिशन के लिए, ठीक है। तो और क्लिप को तुम यहाँ से यहाँ तक मूव करो, और ये जो है इसको हम लोग इस बार फिलहाल क्या करेंगे, मूव करेंगे दिस डायरेक्शन पे, हो गया, समझ में आ रहा है बात। ये मैंने इसको मूव कर दिया, अभी इसको प्ले करके देखो, तुम्हारा वही सेक्शन मैग्नीफाई होके शो करेगा। अभी देखो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ लाइक दिस, समझ में आ रहा है। तो किसी भी क्लिप के ऊपर ये मैग्नीफिकेशन इफेक्ट तुम अप्लाई कर सकते हो यूजिंग मैग्नीफाई। तो इसको लेते हुए बहुत भी और अलग अलग तरह का इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो तुम, ठीक है। जैसे समझ लो कि मुझे कोई क्लिप है, ये तो मैंने किसी स्टील इमेज के ऊपर मैंने अप्लाई किया, मैंने इसको किसी इमेज के ऊपर अप्लाई किया। तुम्हारा कोई क्लिप है समझ लो, ठीक है, एज्यूम कर लो कि कोई क्लिप है, कोई एक क्लिप उठा लो यहाँ से, एज्यूम कर लो तुम्हारे पास कोई वीडियो क्लिप हो गया से फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे, ये तो ऑलरेडी है मेरे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो देखते हैं हम लोग कौन सा पार्ट को मुझे मैग्नीफाई करना है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी एक जस्ट सिम कौन सा पार्ट को मैं लूँ यहाँ पे, जैसे इसी एप्पल का ले लो, ठीक है। इसको मुझे मैग्नीफाई करके दिखाना है, एज्यूम कर लो जस्ट उसी पार्ट को मुझे क्या करके दिखाना है, मैग्नीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन इफेक्ट, ओके। अच्छा, मुझे सिर्फ वही एप्पल वाला सेक्शन ही दिखाना है, तो कैसे करोगे? तो कुछ नहीं, जस्ट मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैग्नीफाई को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है, और मैग्नीफाई मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। मैं इफेक्ट कंट्रोल पर जा रहा हूँ, ये हो गया मेरा मैग्नीफिकेशन स्क्रीन, मुझे यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, समझ लो। और सिर्फ इसी टाइम के लिए मुझे दिखाना है, तो इसी टाइम में मैं क्या करूँगा, ये जो साइज है इसको क्लिक कर लूँगा, और सेंटर, ये तीनों को तुम सिलेक्ट कर लो, शेप जरूरत नहीं है, शेप वही रहने दो, क्योंकि तीनों में मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये मैग्नीफिकेशन एकदम दिखे ना, मैंने इसको साइज क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है, या तो उसको रहने दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले मैंने इसका साइज छोटा कर दिया, फिर थोड़ा हल्का सा मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करूँगा, बस इतना सा, ठीक है। और मैं ये मैग्नीफिकेशन को बड़ा कर दूँगा इस बार, इसका मैग्नीफिकेशन जो लेंस का साइज है उसको बड़ा कर दिया, और मैग्नीफिकेशन को भी मैंने बड़ा कर दिया, समझ लो इस तरह से, ये थोड़ा लेंस का साइज बड़ा हो गया और कुछ इस तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, फिर मैंने हल्का सा इधर से मूव किया, क्योंकि उसने तो उसको उठा लिया ना, पिक कर लिया, बस इतना समय के लिए मुझे दिखाना है, ज़्यादा समय के लिए नहीं, तो उतना ही समय के लिए दिखाना है। तो बस यहाँ पे आओ, तो ये इस फ्रेम में एक्चुअली ये इस क्लिप के साथ एडजस्ट हुआ नहीं, फिर जस्ट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिखा रहा हूँ तुम लोग को यहाँ पे। तो ये अभी फिर क्या करूँ, मैं ये जो साइज है इस साइज को मैं छोटा कर दूंगा, मतलब अभी इसका मैग्नीफिकेशन का कोई काम रोल रहा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट चलो इसी टाइम के लिए हम लोग भी क्लिप को प्ले करके देखते हैं और होता है क्या होता है, समझते हैं हम लोग लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इस तरह से
किसी क्लिप में तुम मैग्नीफिकेशन इफेक्ट को अप्लाई करते हुए किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखा सकते हो। जस्ट सिंपल सा बात है ये। तो जस्ट सोच रहा ना कहाँ पे ये ज़्यादा बेस्ट सुटेबल होगा, वहाँ पे तुम इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैग्नीफिकेशन। तो जहाँ चाहे इसको अप्लाई करो, बस सोच लेना कहाँ पे बेहतर ये फिट होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, और एक इफेक्ट मैं दिखा लेता हूँ लास्ट। देखो इफेक्ट का नाम, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा है, कॉर्नर पिन, सब जरूरत नहीं, जो मैक्सिमम यूज होता है उसका मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैग्नीफिकेशन हो गया, कॉर्नर पिन हो गया, अगला जो इफेक्ट है वो हो गया बैंड इफेक्ट, में दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो बैंड इफेक्ट से क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग बैंड इफेक्ट, मैं इसको जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ अपना क्लिप पे। तो देखो बैंड इफेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, तुम्हारा क्लिप क्या हो जा रहा है, थोड़ा बैंड हो जा रहा है, कर्व हो जा रहा है। ठीक है, तो बस इसको यूज़ करते हुए, तुम बैंड इफेक्ट को यूज़ करते हुए, देखो मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे जैसे स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे तुम्हारा बैंड, तुम जितना देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, हॉरिजॉन्टल रेट, हॉरिजॉन्टल विड्थ सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद वर्टिकल इंटेंसिटी, वर्टिकल रेट, वर्टिकल विड्थ। तो तुमको बैंड कितना ज़्यादा करना है बस यहाँ पे करते जाओ। ठीक है, ये 100% जाएगा। उसके बाद तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रेट कितना होगा, ठीक है, ये सब कम ज़्यादा करके देख लेना तुम लोग, और हॉरिजॉन्टल विड्थ कितना विड्थ का होगा ये। तो विथ थोड़ा मैं काम करता हूँ, यही सही रहेगा। ठीक है, विथ थोड़ा मैं काम कर लेता हूँ, बस यही सही रहेगा। ओके, फिर मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा हल्का सा, और यहाँ पे क्या करना है, तीनों में ये सिलेक्ट कर लेना, मुझे की फ्रेम ऐड करना है इसके लिए। ठीक है, बेहतर होगा इसको मैं, चलो कोई बात नहीं, इसमें अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये क्लिप के, क्लिप में अप्लाई ना करते हुए मैं जस्ट वेट करो, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ। मैं बेहतर होगा किसी टाइटल के ऊपर इसको अप्लाई कर दो, किसी टाइटल के ऊपर इसको अगर अप्लाई करेंगे तो वो बेहतर दिखेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ वेलकम। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे, और ये टाइटल को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। बस वही बैंड इफेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करके लाओ, और जैसे मैंने पहले बोला था, ठीक है, तीनों में की फ्रेम ऐड करने का ऑप्शन तुम क्रिएट कर लो, और ये जो है इसको थोड़ा कम कर दो। कितना कर दिया मैंने इसको, लाइक दिस। चलो इतना ही रहने दो, कोई बात नहीं, बाकी तुम लोग सोच कर लेना। ठीक है, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा मूव करने के बाद ये क्लिप पूरा क्लियरली शो हो जाए। ठीक है, तो बस जितना भी है ये सबको जीरो कर दो, इसको भी जीरो कर दो, इसको भी तुम जीरो कर दो, और इसको भी जीरो कर दो। तो ये पूरा तुम्हारा क्लिप नॉर्मल सी में आ जाएगा। सबको मैं जीरो करता हूँ यहाँ पे, जो भी है। ठीक है, एक्चुअली मैंने ये सब में क्लिक नहीं किया था की फ्रेम ऐड करने के लिए, कोई बात नहीं। तो देखो ये हो गया तुम्हारा क्लिप, इसको प्ले करते हैं हम लोग, धीरे से ये नॉर्मल सी में आ जाएगा लाइक दिस। समझ में आ रहा है बात, थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, कोई बात नहीं, जब इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो रेंडरिंग करने से वो स्मूथली प्ले होगा। तो ये एक तरह से तुम्हारा यहाँ पे इफेक्ट बन के आ रहा है। तो बैंड इफेक्ट को यूज़ करते हो तुम, इस तरह का इफेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो हाँ वो आज के लिए।